चलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेड मसूर की दाल। इसको मैंने करीब 10 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके चुनकर इसको भिगो दिया था। अब देखिए ये फूटने लगी है, इसे जल्दी पक जाती है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें रफली कट किया हुआ प्याज डालूंगी। इस दाल को बनाने के लिए मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज को अच्छे से वेल मिक्स करके पीस लिया हुआ है। मसाले एज यूजुअली मैंने देखिए हल्दी, धनिया और गरम मसाला, ये रेड चिली पाउडर है, ये वाला होम मेड है इसलिए इस कलर का दिखता है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने निकाल लिया है। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है और ये पेस्ट मैंने मिक्स से मस्त निकाल लिया था और इसमें हम भूनेंगे तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसूर की दाल ना बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसलिए हमने कढ़ाई का यूज़ किया, कुकर का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए हमें बना रही हूँ इसको। ये पेस्ट करीब करीब भून चुका हुआ है, इसमें कलर भी अपना चेंज कर दिया हुआ है, तो मैं इसमें जो मसाले निकाली हुई थी वो भी इसमें ऐड करूँगी। मसालों के साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं अच्छे से पके। जब तक मेरा मसाले ये भून रहे तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। एक मैंने बारीक टमाटर कट के लिया हुआ है। आलू मैं डाल रही हूँ, इसमें 4 आलू हैं छोटे छोटे से, उसको 2 टुकड़े में किए हुए हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें। लोगों को तो इसमें एग्स भी पसंद होते हैं, उसको पहले बॉईल करके फिर तेल में फ्राई करके फिर इसी दाल में ऐड करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। किसी दिन उसकी भी रेसिपी आप शेयर करूँगी। हाँ, तो ये मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है, यानी कि हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, तो ये मैं टमाटर इसमें डाल रही हूँ। टमाटर के साथ ही मैं इसमें सॉल्ट भी डाल दूँगी और इसको ढक के 1 मिनट तक करीब पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर गल जाए अच्छे से। हाँ, तो ढककर 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं दाल प्रॉपर ऐड कर दूँगी और जो आलू मैंने डालने थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और से वेल मिक्स कर लूँगी 2 मिनट तक। उसके बाद इसमें पानी डाल के 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। इसमें पानी मैंने डाल दिया है, अब इसको ढककर करीब 10-15 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है, दाल ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। और इसमें आलू जो मैंने डाले थे ना वो भी पक गई हैं, मुश्किल से मुझे 10 मिनट ही पकाना पड़ा इसे।